ऑल्सो यू नो मोर देन पीपल हु हैव डन द सुदर्शन क्रिया वी डिड अ सर्वे ऑन देम अ साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन दैट गोइंग टू शेयर विद यू टुडे ये जो आज हम आपके साथ बांटने वाले हैं अनुसंधान से और 60 से भी ज्यादा हजार साठ हजार से भी ज्यादा लोगों ने जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया सुदर्शन क्रिया सीखी है उनका क्या अनुभव रहा है उसका भी निचोड़ हम आपको आज दिखाएंगे ठीक है

ऑल राइट आई कैन सी many ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ इट एंड many ऑफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट also. काफी सारे लोगों ने सुना है काफ़ी सारे ने कोई बात नहीं इस रिस्पॉन्स को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा जब हम एक आदि मानुष थे हाँ जब बाहर जाके शिकार करके हम खाना लाते थे हाँ तो उस समय कई बार ऐसी परिस्थिति आती थी जब हमारे जीवन को खतरा हो या तो कोई um, जंगली जन, जानवर सामने आ गया तो उस समय हमारा शरीर ये फाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देता था अब इसमें क्या होता है शरीर का जो खून है जो ऊर्जा है वो हाथों और पैरों की तरफ भागती है अब मेरा आपसे प्रश्न है हाथों और पैरों की तरफ क्यों आप अपना आंसर लिख सकते हैं कमेंट्स में यू नो टू अंडरस्टैंड फाइट और फ्लाइट वी हैव टू गो बैक इन टाइम व्हेन वी वर केव मैन यू नो वी वुड गो आउट एंड हंट फॉर आर फूड And that time, many times, we would find ourselves in a situation that was life-threatening. It could be a uh, uh, you know, wild animal or some danger that would come. And our body would turn on this fight or flight mode. In this mode, blood would rush to our arms and legs. Now, I want to ask you why that would happen. Why arms or legs? Let me see your responses. Why? To run, to fight and survive. Absolutely elegance. Huh? Dekhiye. हाथों और पैरों की तरफ क्यों क्योंकि अगर खतरा छोटा है तो हम उससे लड़ पाएं और अगर खतरा बहुत बड़ा है तो हम उससे भाग पाएं वाइट वर्ड्स आर्म्स एंड लेग्स इफ द डेंजर वॉज मैनेजेबल वी कुड फाइट विद इट एंड इफ इट वॉज टू मच वी कुड रन अवे फ्रॉम इट राइट नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज आई वॉन्ट ऑल योर अटेंशन नाउ दिस मोड स्टिल एग्जिस्ट इन आर बॉडी एंड इट गेट्स टर्नड ऑन इवन इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डेंजर विद जस्ट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन और स्ट्रेसफुल मेंटल थॉट क्या आप जानते हैं ये फाइट ऑफ फ्लाइट आज भी हमारे अंदर है और ये तब ऑन होता है जब हम चाहे हमारे को कोई जीवन का खतरा ना हो पर कोई तनावग्रस्त स्थिति में जब हम होते हैं तो ये फाइट ऑफ फ्लाइट ऑन हो जाता है इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं आपके जीवन में कब आपने ये फाइट ऑफ फ्लाइट को अनुभव किया है उसके लिए पहले जानते हैं फाइट ऑफ फ्लाइट में होता क्या है यू नो लेट्स लुक एट द सिम्टम्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट मोड Your heartbeat increases, you know. You start to feel shivering, sweaty palms, you know. Breath becomes very fast. Can you tell me some experience or some situation in life where you have experienced these symptoms? Can you share it in the comments? मैं चाहती हूँ आप अपने जीवन में देखें कब ऐसा हुआ है धड़कन बढ़ गई, सांस तेज चलने लगी, हाथों पैरों में पसीना आने लगा, ठंड लगने लगी, थरथराने लगे। ऐसा आपके जीवन में आपने किस परिस्थिति में पाया है?

या गुस्सा आया किसी एक्सीडेंट में थे हम इंटरव्यू में थे पब्लिक स्पीच इन अ मीटिंग डर की वजह से हाँ वो डर कब हुआ ये पूछ रहे हो वायवा में हाँ कोई सर्जरी में जाना था यस वेरी ट्रू वेरी ट्रू यू नो नाउ आई वांट यू टू लुक बैक एट द सेम सिचुएशन एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू फील यू कुड हैंडल्ड इट बेटर इफ योर माइंड वॉज काम कैन यू राइट सी इन द कॉमेंट्स आज जब आप उस परिस्थिति को मुड़ के पीछे देखते हैं आप में से कितने लोगों को लगता है मैं इसे और बेहतर तरीके से हैंडल uh, कर पाती अगर मेरा मन शांत होता तो सी लिख दीजिए कमेंट्स में हाँ सभी को ऐसा लगता है ना पर उस समय जब हम उस परिस्थिति में थे तब हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि फाइट ऑफ फ्लाइट मोड हमें सोचने नहीं देता यू नो वेन वी आर इन द फाइट ऑफ फ्लाइट मोड द स्ट्रेस हार्मोन्स इन आस adrenaline and cortisol are very high and they do not let us think at all. Now you must be thinking, oh so am I helpless in front of my emotions? If this situation comes, will I always go in fight or flight? Can I do something to switch out of it? Then the answer to that is the other response which is rest and digest. आपको लग रहा होगा अरे क्या ये ऐसे ही होता जाएगा मैं इसके आगे क्या बेसहाय हूँ जी नहीं आप इससे निकल सकते हैं क्योंकि एक दूसरा मोड भी होता है हमें जिसे कहते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट जहां खून पेट की ओर और, और मस्तिष्क की ओर जाता है तो शरीर में आराम लगता है मन क्लियर लगता है और हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट द ब्लड राशेज टूवर्ड्स आर एबडोम एंड आर हेड इट मेक्स अस फील मोर रिलैक्सड एंड मेक्स अस टेक बेटर डिसीजन क्लियर माइंड यस नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन इज हाउ डू आई स्विच फ्रॉम फाइट ऑफ फ्लाइट रेस्ट एंड डायजेस्ट अब हमारा अगला प्रश्न यही होगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है बट कैसे स्विच करें कैसे हम रेस्ट और डायजेस्ट में आ सकते हैं तो उसका आंसर हैड मी स्पीक अबाउट वेगस नर्व इट्स द टेंथ क्रेनियल नर्व इट कम्स फ्रॉम द यू नो ब्रेन टू द लंग्स द हार्ट द स्टमक द इंटेस्टाइन इट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ आर इनवॉल्ट्री फंक्शन वेन वेगस नर्व इज स्टिम्युलेटेड और एक्टिवेटेड वी कैन कम इन टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट जब वेगस नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हम रेस्ट और डाइजेस्ट में आ पाते हैं हाँ तो वेगस नाड़ी को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं हाउ कैन वी एक्टिवेट द वेगस नव मेडिटेशन एक्टिवेट्स द वेगस नव मेडिटेशन या ध्यान बहुत बड़ा तरीका है वेगस नाड़ी को एक्टिवेट करने का और जब वेगस नाड़ी एक्टिवेट होती है क्या होता है डर कम होने लगता है तो वो जो आज आपको बताया था ना साठ हजार से भी ज्यादा लोगों पे सर्वे हुआ था तो उसमें पाया गया कि 62 परसेंट से ज्यादा लोगों ने बोला उनका भय कम हो गया एंड एटी वन परसेंट फेल्ट एन इंक्रीज इन देयर कॉन्फिडेंस उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया आत्मविश्वास बढ़ गया यू नो सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे दैट आई वॉज स्पीकिंग ऑफ अर्ल यी थाउजेंड प्लस पीपल हु अंडर वेंट द कोर्स दे फाउंड दिस नाउ दिस इज सो पावरफुल जस्ट विथ मेडिटेशन You can switch you can increase the body's ability to switch from fight or flight to rest and digest. Isn't that amazing? Hmm? Okay. The other tool that can help you in a big way is Sudarshan Kriya. See, in Sudarshan Kriya, the cortisol, which is the stress hormone, has been found to reduce by 54 percent. This is a very big number. कोर्टिसोल जो हमारा तनाव का हार्मोन होता है ना वो कम हो गया 54 परसेंट ये बहुत बड़ा नंबर है ना देखिए कोर्टिसोल ही है जो हमें वो बेचैनी जो आपको डर लगने लगता है किसी भी बिना वजह से घबराहट होती है वो सब कोर्टिसोल है तो कोर्टिसोल कम हुआ और उससे क्या हुआ पीस ऑफ माइंड योर पीस ऑफ माइंड इनक्रीजेस वेन कॉटेजोल कम्स बैक एंड देर इज एन ड्रॉप in the stress and anxiety, just look at the numbers. 79% people said that they felt their anxiety just melt away. 79% hmm. logonaya paya, kita nav kam hua, kam hui or manki shanti badhi. very nice. so now let's come on the second topic, the mind. Hmm. i want to ask you, why is the mind so important? and for that, i want to give you a scenario. how many of you have had this experience? you know, you are just sitting with all your friends and family. everyone's talking having a good time but you know something's going on in your mind maybe something someone said a few days ago something happened and it's just running in your mind and you are not able to enjoy what's happening around you if you have experienced this write m in the comments for me hum mein se kitne logo ne aisa kabhi anubhav kiya hai कि बाहर सब बढ़िया है सब मित्र सब परिवारजन एक साथ बैठे हैं बातें कर रहे हैं अच्छे से वो सेशन चल रहा है एक है ना और उसमें कहीं ना कहीं आपका मन किसी और चीज में अटका हुआ है शायद कुछ दिन पहले किसी ने कुछ कह दिया था या कुछ हो गया था और वो ही आपके मन में चले जा रहे हैं तो आप उस परिस्थिति को इंजॉय नहीं कर पा रहे आप में से कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है नी लिख दीजिए और या एम लिख दीजिए कॉमेंट्स में टाइप एम इन द कॉमेंट्स इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस येस एप से डू डी आई कैन सी सो मेनी रिस्पॉन्सेज थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड रिस्पॉन्डिंग यू नो दिस विल हेल्प यू इन फॉर दिस सेशन टू मेक मोर सेंसिटिव राइट वेरी नाइस दिस इज अ कामन एक्सपीरियंस ये हम सब के साथ होता है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा मन के बाभालना है तो दो चीज़ें जरूरी है एक तो मन की समझ कि मन ऐसा क्यों करता है पहली चीज़ और दूसरा कुछ तकनीक चाहिए सिर्फ समझ से समझ काफ़ी नहीं है ठीक है हम समझ गए अरे चिंता करने का कोई फायदा नहीं है पर कैसे ना करें कैसे रोकें उसके लिए कुछ तकनीक चाहिए है ना देखिए See there are two ways to handle the mind both are important first is just an understanding first of all we need to understand why does the mind behave this way and then once you have understood you need some techniques some tools just understanding is not enough right so let's look at the understanding first see have you had this experience something happened many years ago or maybe many months ago so maybe someone was rude to you or someone said harsh words to you

तो जरूर W लिख दीजिए कमेंट्स में फॉर वरी हा ये भी हुआ है सबके साथ सो मेनी ऑफ अस आर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस इट सो नाउ हाउ टू ब्रिंग द माइंड आउट ऑफ दिस पेंडुलम ऑफ एंगर वरी पास्ट फ्यूचर वी नीड टू लर्न समथिंग दैट कैन ब्रिंग द माइंड टू द प्रेजेंट मोमेंट देखिए इस भूत और भविष्य के चक्कर से निकाल के मन को वर्तमान में लाने के लिए कोई ना कोई ऐसी तकनीक चाहिए हमें जो हमें मदद कर सके है कि नहीं तो वो तकनीक क्या है ध्यान और सुदर्शन क्रिया ये बहुत बहुत शक्तिशाली है हमारे मन को संभालने के लिए सुदर्शन क्रिया से क्या होता है शरीर के स्तर पर तो ऊर्जा लगती ही है पर मन एकदम स्थिर होने लगता है आप पाएंगे जो चीज़ पहले आपको बहुत परेशान कर देती थी अब छूके गुजर जाती है You know, pranayama, meditation, and Sudarshan Kriya are so powerful when it comes to handling the mind. With practice of Kriya, you find that not only your body is full of energy and enthusiasm, but your mind has come to the here and now. Something that would bother you so much earlier, it just touches and goes, nothing happens. You feel so balanced. Yeah? So, this is very powerful. Now, let's come to the. Remember, I told you we are all drug addicts? सो दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू शेयर विथ मी इन द कॉमेंट्स वॉट इज द करेंट यू नो सीरियल और सीरीज और प्लेटफॉर्म दैट यू आर रियली इंजॉइंग ऑनलाइन कौन सा ऐसा सीरियल है कौन सा ऐसा सीरीज है जो आजकल आप देख रहे हैं उसका नाम जरूर कॉमेंट्स में मेरे साथ बांटिए क्योंकि मैंने आपको कहा था ना हम एडिक्ट तो वो उसके बारे में आप थोड़ा बात करने वाले हैं इसलिए मैं जानना चाहती हूँ आप क्या देख रहे हैं आजकल लेट्स ओके यूट्यूब यूट्यूब आई थिंक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आर द बिगेस्ट एडिक्शंस नेटफ्लिक्स रामायण सॉन्ग्स ऑन YouTube, नो सीरीज एज ऑफ नाउ Facebook रील्स YouTube शॉर्ट्स ओके वेरी नाइस और क्या खतरों के खिलाड़ी देख रहे हैं शिव महापुराण देख रहे हैं नेटफ्लिक्स हाउस ऑफ ड्रैगन देख रहे हैं ठीक है टीवी न्यूज देखते रहते हैं ओके okay. लाफ्टर शोज देखते हैं अच्छा ओके इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम यूट्यूब रील्स हाँ रील्स तो बहुत खतरनाक होती है ना उसमें तो कितना समय जाता है हमें पता नहीं चलता अच्छा जो भी आप देखते हैं हाँ वेदर इट इज़ यू आर स्क्रोलिंग यूट्यूब और यू नो शॉर्ट्स और वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स मेनी टाइम्स यू नो यू डिसाइड ओके ना आई हैव ट्वेंटी फाइव थर्टी मिनट्स आई वंट टू रिलैक्स आई जस्ट सी समथिंग ऑन माई फोन बट बिफोर यू नो इट यू नो यू कीप स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग और प्रेसिंग द नेक्स्ट अपिसोड नेक्स्ट एपिसोड बिफोर यू नो इट दैट थर्टी मिनट्स बिकम्स फोर्टी फाइव मिनट्स बिकम्स वन आवर बिकम्स टू आवर्स हैव यू एक्सपीरियंस दिस इफ़ दिस हेज़ हेपंड विथ यू राइट एम इन द कॉमेंट्स आपके साथ अगर ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने सोचा अच्छा मैं अभी आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करती हूँ बहुत काम हो गया चलिए कुछ देख लेते हैं फ़ोन के ऊपर तो कोई एक सीरीज देख लेते हैं एक एपिसोड देख लेते हैं या फिर थोड़ा यूट्यूब के रील्स देख लेते हैं कुछ इंस्टाग्राम देख लेते हैं अब देखा सोचा था आधा घंटा बट वो कब आधा घंटा पैंतालीस मिनट हो गए कब वो पैंतालीस मिनट एक घंटा कब वो दो घंटे कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चलता अगर ऐसा अनुभव हुआ है तो एम लिख दीजिएगा कमेंट्स में और घबराइएगा नहीं यहाँ बहुत से लोगों को हुआ है ये अनुभव इसलिए आप बेहिचक लिख सकते हैं एम राइट सो ट्रू इज इट सी लेट मी टेल यू दिस इज नॉट योर फॉल्ट दिस इज हाउ कॉन्टेंट इज क्रिएटेड दिस इज हाउ दिज प्लेटफॉर्म्स आर मेड सो दैट यू रिमेन हुक्ड दैट यू के नॉट लीव यू फाइंड इट वेरी हार्ड टू स्टॉप ये आपकी गलती नहीं है ये बनाए ही ऐसे जाती है ये ऐप्स ये जो हम देखते हैं ये बनाया ही ऐसे जाता है कि आप इसे छोड़ ना पाए कि आप इसे रोक ना पाए, ये चलता रहे आप और 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 समय उसमें बिताए बट हमारे शरीर में क्या ऐसी चीज़ है जो हमें और देखने पे मजबूर करती है वॉट इज दैट इन आर बॉडी दैट मेक्स अस वॉन्ट मोर ऑफ समथिंग दैट इज डोप टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू केमिकल्स डोपामीन एंड सेरेटोनिन आज हम दो ऐसे केमिकल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे मस्तिष्क पर हमारे व्यवहार पर बहुत बड़ा असर डालते हैं उसमें पहला है डोपोमीन ना वॉट इज डोपमीन डोपोमीन इज दैट विच मेक्स यू यू नो एंथजियास्टिक फोकस्ड मोटिवेटेड हाँ वैन यू गेटअप इन द मॉर्निंग एंड यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग दैट फीलिंग चलो कुछ करते हैं ये जो भाव आता है ये डोपोमीन से होता है सो डोपमीन इज वेरी यूजफुल फॉर एस

इजली यू नो सो ओवर इंडेलिजेंस ऑफ एनी थिंग वेन वी डू वी एंड अफ फीलिंग नॉट गुड सो हाउ टू बैलेंस डोपमीन इन आर बॉडी दिस हैपन्स विद मेडिटेशन देखिए जब आपके शरीर में डोपमीन की मात्रा सही होती है तो आपको बाहर से उसकी भूख नहीं रहती वेन डोपमीन लेवल्स आर बैलेंस्ड इन योर बॉडी यू डोंट क्रेव फॉर इट फ्रॉम आउटसाइड मेडिटेशन ये बहुत अद्भुत रिजल्ट परसेंट दिस इज अमेजिंग से शरीर के अंदर डोपोमीन की जो मात्रा है परसेंट बढ़ जाती है और इससे क्या होता है आपका फोकस बढ़ता है मोटिवेशन बढ़ता है है ना काम करने की जो इच्छा है एक जोश है वो आ जाता है यू स्टार्ट टू फील लाइक यू वॉन्ट टू डू सम यू फील एनर्जाइज यू फील लाइक

And now how did you feel? I can see so many of you have helped. Wonderful. How did you feel when you helped someone? जब आपने किसी की मदद की तो आपको कैसा लगा अंदर से वो भी ज़रूर बांटे मैं आपके कॉमेंट्स ही पढ़ रही हूँ बहुत फास्ट जा रहे हैं पर मैं पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ <laughs> Very happy, right? Elegance is saying she felt very happy. Okay, कैसा लगा आपको जरूर बांटे हमारे साथ Felt good, विनुता जी felt good, कणीमो जी मोरी uh, जी फेल्टप्पी वेरी नाइस हैप्पी कंटेंटमेंट एग्जैक्टली अंजना जी फेल्ड कंटेंटेड एक संतुष्टि की भावना एक खुशी की भावना आती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं किसी और के लिए है कि नहीं और वो भावना क्या है वही है सेरेटोनिन सेरेटोनिन ही उस भावना को पैदा करता है दिस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इज नथिंग बट दैरेटोनिन इन आर बॉडी वेन दिस इज बैलेंस वी फील हैप्पी वी फील काम वी फील पीसफुल एंड वेन सेरेटोनिन लेवल्स गो डाउन देन हाउ डू वी फील वी फील डिजेक्टेड सैड डिस्ड जब सेरेटोनिन कम होता है शरीर में तब क्या होता है डिप्रेशन दुख बिना किसी वजह के एकदम लो लो लगना ये क्या दर्शाता है सेरेटोनिन की मात्रा कम हो गई है ओके सो नाउ हाउ बिफोर वी लर्न हाउ वी कैन इंक्रीज सेरेटोनिन इन आर बॉडी देखते हैं कौन सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर गूगल से पता करके और कॉमेंट्स में लिखेगा कि का फुल गेट इट फर्स्ट आई एम लुकिंग एट द कॉमेंट्स लेट्स सी लेट्स सी कौन पता करके बता सकता है कि एस एस आर आई का पूरा नाम क्या है आप सीधा गूगल पे जाकर गूगल uh, पे जाकर उसको आप पता कर सकते हैं नहीं श्री श्री रविशंकर जी नहीं है अवॉर्ड सिलेक्टिव सेरेटोनिन री अपटेक इनहेबिटर इस लंबे से नाम से आप घबराइएगा नहीं मैं आपको जल्दी बताऊंगी ये है क्या सिलेक्टिव सेरेटोनिन री अपटेक इनहेबिटर इज नथिंग बट द ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन एंटी डिप्रेस वो केमिकल जो डिप्रेशन की दवाइयों में होता है वो है सिलेक्टिव सेरेटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो कि आपके शरीर में सेरेटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है वॉट इज दिस ड्रग डू इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेरेटोनिन इन योर बॉडी नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दिस रिजल्ट विच एक्चुअली ब्लू माई माइंड वेन आई फर्स्ट रेड दिस रिसर्च दैट विथ प्रैक्टिस ऑफ सुदर्शन क्रिया या डिप्रेशन पेशेंट्स who were undergoing depression, डिप्रेशन the first द फर्स्ट थ्री वीक्स went into remission. रेमिशन आपको जान के बहुत अच्छा जो होगा कि आज सुदर्शन क्रिया डिप्रेशन के लिए एक ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरह इस्तेमाल की जा रही है जिन पेशेंट्स ने डिप्रेशन के पेशेंट्स ने सुदर्शन क्रिया का प्रोग्राम किया सुदर्शन क्रिया सीखी और प्रैक्टिस कर रहे थे तीन हफ्तों में उनके सिम्टम्स कम होने लगे और तीन महीने तक उसका असर बरकरार रहा देर The symptoms went in remission until three months. It was sustained. It's not that you just did the course for four days and it fizzled out. No, it continued. The effects were sustained. This is just absolutely incredible. Yeah. So Sudarshan Kriya was found to be as effective as SSRIs in treating depression. Just group ko SSRIs and just group ko Sudarshan Kriya. Unke results the. Kya ki Sudarshan Kriya ke एक डिप्रेशन uh, के लिए एक ट्रीटमेंट जैसा है वो है ना तो उससे क्या होता है 89 नाइन परसेंट पीपल दे देवर मोर कॉन्फ हायर कंटेंटमेंट एंड सेवेंटी वन परसेंट फेल्ट अ डिमिनिश इन दर गिल्ट। सेवेंटी वन परसेंट लोगों ने क्या पाया जो मन में बिना किसी वजह के एक ग्लानी से भरे रहते हैं वो कम होने लगा और एक संतुष्टि का भाव जागने लगा सो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सेरेटोनिन लेवल्स विद सुदर्शन क्रिया सुदर्शन क्रिया से हम अपने शरीर के सेरेटोनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं ठीक है अब ये सब अच्छी अच्छी बातें हमने सुन ली पर इनको लाना कैसे है अपने अनुभव में हाउ डू यू ब्रिंग दिस टू आर यू नो टू आर एक्सपीरियंस टू आर डे टू डे लाइफ फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज विल पावर सो आई वॉन्ट टू आस्क यू इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग वॉट इज द मीनिंग ऑफ विल पावर फॉर यू आपके लिए इस शब्द का क्या अर्थ है विल पावर या संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं इसका क्या अर्थ है आपके लिए क्या आप रख सकते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं क्या उसके लिए उसका मतलब आपके लिए क्या है कॉन्फिडेंस इज विल पावर ओके वॉट एल्स ऑल राइट कुछ करने की इच्छा हा हिमांशी जी बिल्कुल सही बोला आपने नेवर गिव अप एटीट्यूड मेंटल हेल्थ वेरी नाइस स्ट्रेंथ प्रिय दर्शनी जी सिंह स्ट्रेंथ इज विल पावर जी सिंह मेंटल स्ट्रेंथ एनर्जी इज सेंग स्ट्रांग फीलिंग कंट्रोल ऑन योर सेल्फ स्वाति एब्सोल्यूटली करेक्ट आप सबके उत्तर बिल्कुल सही है इनका अगर मैं एक सरल भाषा में बोलूं तो विल पावर क्या है जो आपको लगता है सही चीज है उसे कर पाना हाँ वॉट इज विल पावर इन सिंपल वर्ड्स लेट मी जस्ट ब्रिंग ऑल योर आंसर्स टूगेदर इन वन लाइन वेन यू नो वट इज द राइट थिंग टू डू बींग एबल टू डू इट यू डिसाइडेड आई वेल स्लीप एट टेन ओ क्लॉक नाइन थर्टी और ऑन द बेड बट दे यू स्टार्ट स्क्रोलिंग योर फोन बिफोर यू नो इट यू कैन सी द टाइम इट्स नाइन फोटी फाइव नाइन फिफ्टी टेन ओ क्लॉक टेन फिफ्टीन बट यू आर नॉट एबल टू स्टॉप योर सेल्फ दैट इज़ द लैक ऑफ विल पावर विल पावर क्या है आप जानते हैं सही चीज़ क्या है आपने सोचा है नहीं आज से चीनी कम पर सामने एक अच्छा सा कस्टर्ड का बोल आ गया तो मन लल ने बोला चलो थोड़ा खा लेते हैं थोड़े के बाद थोड़ा और थोड़ा तो जानते हुए कि कोई चीज़ हमारे लिए ठीक है उसे ना कर पाना वो है विल पावर की कमी अब कैसे हम विलपार को बढ़ा सकते हैं दो चीजें समझनी होगी एक तो ये जो और 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 की होड है इसमें सच्ची प्रसन्नता नहीं है सच्ची खुशी नहीं है ऐसा लगता है कुछ खुशी मिलेगी पर अंत में ग्लानी ही मिलती है वर्क इज डन इफ यू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वेन वी थिंक वी आर गोइंग टू गेट हैप्पीनेस from something by a little more, a little more. at the end, we are only left with a feeling of guilt and regret. oh, i wasted my time. i shouldn't have done it. this feeling. yes or no. and the second is to understand that we make better decisions when we are happy. have you noticed in your life when your mind was calm and peaceful, you could respond rationally to a situation? देखिए दूसरी चीज क्या है जब हम प्रसन्न होते हैं ना हम अच्छे निर्णय लेते हैं जब हम तनावग्रस्त होते हैं हम गलतियां करते हैं तो खुशी एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये ना सिर्फ हमें अच्छा लगता है पर उसके साथ साथ हमें हमारी निर्णय क्षमता को भी बेहतर करती है डिसीजन मेकिंग हमारी बेटर हो जाती है सो यू नो वेन यू डू मेडिटेशन यू नॉट ओनली फील गुड एंड हैप्पी बट हैप्पीनेस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हैप्पीनेस यू ऑल्सो मेक बेटर डिसीजन राइट सो नाउ वी कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डू प्राणायाम्स नाउ इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग प्राणायामा एंड मेडिटेशन लाइफ यू कैन राइट ई इन द कॉमेंट्स अगर आप एकदम अभी प्राणायाम और ध्यान के बारे में इतना सब सुन लिया बहुत से लोग शायद आज नए जुड़े हैं उन सब के लिए भी अगर आप एक्साइटेड हैं अभी प्राणायाम एक्सपीरियंस करने के लिए ई लिख दीजिए कॉमेंट्स में आपको याद है ना आपको मुझसे बात करनी है तो रुकना नहीं है बीच में यू हैव टू कीप टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद मी वंडरफुल वेरी नाइस थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रियली अप्रिशिएट हाउ यू हैव बिन कम्युनिकेटिंग हाउ यू हैव बिन सो enthusiastically रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन थैंक यू फॉर दैट एंड kudos to टू यू फॉर दैट मैं आपको आप चाहूंगी आप अपनी ही पीठ जरूर थप थप पाएं कि आपने कितने उत्साह के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए आप जुड़े रहे बहुत अच्छी बात है चलिए अब हम क्या करेंगे वी विल डू प्राणायाम वी विल डू भस्त्रिका प्राणायाम Three rounds of twenty breaths. Because there are some new people, I will quickly give the instructions again. Hmm? So, Bhastrika. Me, we will take a position. Loose fists in front of the shoulders. And when I say breathe in, your arms will go up and your fist will open. Let me show you in front, like this. Yeah. But ye upar ki or karna hai. We have to take our arms up. And fists will open. And when I say breathe out, with a pinch of force, you will breathe out and bring the hands down. जब मैं कहूंगी सांस अंदर तो हाथ ऊपर ले जाएंगे ऐसे खोल देंगे हाँ मैं आगे दिखा रही हूं पर आपको ऊपर जाना है और जब मैं कहूंगी सांस छोड़े जोश के साथ सांस छोड़ेंगे हाथ नीचे यस yes? now इफ यू हैव glaucoma इफ यू हैव एनी हार्ट डिजीज इफ यू हैव हर्निया इफ यू हैड रीसेंट एबडोमल सर्जरी इफ यू आर प्रेगनेंट और or यू कैन अवॉइड भस्त्रिका इन instead जस्ट take लॉन्ग डीप ब्रेथ्स there are a list of uh, conditions showing on the screen just check those conditions any of them you have avoid bhastrika do long deep breaths अगर आपको uh, अभी स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली कोई भी दिक्कत है तो आप भस्त्रिका ना करें आप बस लंबी गहरी सांसें ले लें, बहुत रहेगा ठीक है if you have high but controlled blood pressure you can do bhastrika just do it gently अगर रक्तचाप ज्यादा है बट संतुलन में है तो कर सकते हैं बस हल्के से कीजिएगा ऐसे जोर नहीं लगाए Yeah. even for all of us don't put too much force you know some people do this is incorrect you should be able to smile through it so let's take position let's get ready eyes are closed take a normal breath in and breathe out and together with force and enthusiasm breathe in out in out in out, in, out. Relax. Keep your palms open on the lap, keep your eyes closed. rakhe, ko Get ready for the second round. Palms in a loose fist in front of the shoulders. A normal breath in and breathe out together with force and enthusiasm breathe in out फाइनल राउंड तीसरा और आखिरी राउंड पोजीशन ले लें साधारण सांस अंदर और बाहर पूरे जोश के साथ एक साथ सांस अंदर बाहर अंदर बाहर, अंदर, बाहर इन आउट एन Relax, विश्राम करें। नॉ लेटस कीप आर आईज क्लोज एंड सिट कंफर्टेबली एंड ईजिली फॉर मेडिटेशन विद गुरुदेव आराम से बैठ जाएं, चाहे तो पेट को टीक लगा सकते हैं पैरों को फैला सकते हैं आरामदायक स्थिति में बैठें ताकि हम स्थिर रह सकें आंखें बंद ही रखेंगे हथेलियाँ खुली हैं और अब हम गुरुदेव के साथ ध्यान करेंगे

And body relaxed. Shari chorde We came into this planet weighing just four kilos or five kilos. Recollect or remember the weight of your body. It is sixty kilos, seventy kilos, whatever that is. Place your weight on the chair or on the floor you are sitting, right at this point. Let's take a deep breath in. Hold the breath and let go. Honor your own body, your body, the precious gift to you from nature. Become aware of your whole body, skins, tissues, muscles, blood vessels, bones, and all the internal organs. Your body is a precious gift to you. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर अपने ही शरीर को मन ही बन आप सम्मान करें नो लेट अस कम टू द सेकंड डायमेंशन योर ब्रेथ इट इज अ अथ दैट इज कीपिंग अ बॉडी अलाइव Your body is alive because of your breath. Take a deep breath in and let go. Incoming breath energizes the body, and outgoing breath brings relaxation. This is happening all the time. अस ऑनर अवर ओन ब्रेथ अपने ही सांस पर आप गौर करें आपका सांस भीतर बाहर आ जा रही है बिकम अवेयर ऑफ द एयर ऑल अराउंड यू Like fish in the water, we are in air. Relax more and more. Let's take your attention to the top of the head. and become aware of the empty space above our head. बिकम अवेयर द स्पेस इन द एंटायर रूम that you are सिटिंग हमारा शरीर बाती है तो मन ज्योति है मन का विस्तार शरीर के चारों ओर है जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दें अच्छे बुरे सभी विचारों को स्वागत कर एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए विचारों को गले लगाते जाए इम्बरेज ऑल द थॉट्स, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट गुड और बैड Become aware of a point right in the center of your heart, center of your chest. And take a deep breath in and breathe out and relax even more. As the body relaxes, the mind expands. And as the mind expands, your body finds deep relaxation. This moment there's nothing to do and nothing to know either. Just let go and relax. इस वक्त इस घड़ी में न करने को कुछ है न जानने के लिए कुछ है केवल विश्राम करें अपने आप में विश्राम करें रिपोज इन योर सेल्फ You are a fountain of love. You are an ocean of peace. Repose in yourself. मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए टेक विथ स्माइल एंड ब्रीद आउट विथ स्माइल ति शांति शांति धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आप आंखें खोल सकते हो एज यू ब्रीद आउट यू मे ओपन योर आइज स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज बहुत धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं हाउ इज यंस आई वॉन्ट टू आस्क यू अर क्वेश्चन मेनी टाइम्स वेन वी ओपन आर आईज आफ्टर अ वाइल्ड देर इज अ टेंडेंसी यू नो यू वॉन्ट टू चेक योर फोन यू वॉन्ट टू चेक योर यू नो एनी मैसेजेस एनी कॉल्स ऐसा आपके साथ होता होगा कि जब आंखें बंद करके कभी खोलते हैं या नींद के बाद या कभी तो लगता है अच्छा फोन चेक कर लें क्या कोई मैसेज तो नहीं आया कोई कॉल तो नहीं आया हाउ मेनी फ्यू यू आर फीलिंग नॉट फीलिंग लाइक डूइंग दैट एनी मोर कितने लोगों का ऐसा मन ही नहीं कर रहा फोन वोन कुछ भी देखने का वाई लिख दीजिए कॉमेंट्स में राइट वाई इन द कॉमेंट्स इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस यस यू नो दिस इज अ साइन ऑफ बैलेंस्ड डोपोमिन एंड सेरेटोनिन इन आर बॉडी ये दर्शाता है शरीर में डोपोमिन और सेरोटोनिन की मात्रा सही है राइट सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक बट नाउ वील टेक वन स्टेप फॉरवर्ड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सुदर्शन क्रिया दिस इज टॉट इन अ पेड प्रोग्राम ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग कॉल्ड द ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप सो ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड एंड वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट सुदर्शन क्रिया यू कैन स्टे बैक ऑन दिस कॉल एंड राइट ए यूल इन द कॉमेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ यू वी विल सी यू फॉर द फर्दर सेशन यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग वट एवर प्राणायाम्स एंड मेडिटेशन यू हैव शेयर विथ यू आप में से जितने लोग अब अगला कदम उठाना चाहते हैं जानना चाहते हैं सुदर्शन क्रिया कैसे सीखें हमने इतने दिनों से प्राणायाम ध्यान किया उससे कहीं पावरफुल कहीं ज़्यादा शक्तिशाली सुदर्शन क्रिया का अनुभव है वो कैसे आप ले सकते हैं अगर आप उत्साहित हैं जानने के लिए आप ए ओ एल लिख दीजिए और आप लोग कॉल में रुक सकते हैं क्योंकि वो एक पेड प्रोग्राम है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगी कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं कैसे आप सीख सकते हैं उस सब के बारे में बात होगी और बाकी सब आ, ऐसे ही जो प्राणायाम सीखे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं प्रैक्टिस करना और आपसे आप आगे के सेशंस में मिलेंगे राइट सो बाय द टाइम ऑल ऑफ यू आर टाइपिंग आउट एओ आई वांट टू क्विकली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फॉर और दो जॉइन टू डे फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ माई नेम इज़ तनुश्री बिश्नोई And I have been with Art of Living for over twenty years now. I've been teaching courses for nearly fifteen plus years, and I, in my experience, you know, I have had the privilege to travel all across our country. I have taught students, I have taught corporate professionals from rural to urban areas, from government servants to doctors. I have had seen personally the transformation that Sudarshan Kriya brings in people's lives. Mm -hmm. my name is Tanushri bishnoi Art of twenty years. टीचर रही हूं पंद्रह सालों से पूरे देश में भ्रमण करके ये कोर्सेस सिखाती आई हूं चाहे वो गांव के में कोई uh, किसान परिवार हो या कोई कॉरपोरेट प्रोफेशनल मैंने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी और हर किसी के अंदर वो बदलाव देखने को मिला जो सुदर्शन क्रिया लाती है तो मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं आपके साथ सुदर्शन क्रिया के बारे में बांट पा रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर अबाउट सुदर्शन क्रिया विथ यू सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो आप क्या सीखते हैं पहली बात ये कोई थियोरी क्लास नहीं है इट्स एन एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एवरी डे द पावर ऑफ ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन

एक और अच्छी बात इस कोर्स की जो मुझे लगती है कि ऐसा नहीं है अभी आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो तीन चार महीने शायद एक साल बाद कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं तुरंत उसी दिन आपको अपने अंदर वो अंतर दिखने लगता है एंड बेस्ट वेरी गुड थिंग इज दैट वेदर यू आर स्टार्टिंग ऑन दिस जर्नी और यू हैव मेडिटेटेड बिफोर इन बोथ वेज दिस इज मेंट फॉर यू दिस इज फॉर बिगिनर्स एज वेल एज इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर्स चाहे आपने अभी अभी शुरुआत की हो या आप पहले से ध्यान करते आए हैं जो आप इस वर्कशॉप में सीखेंगे वो आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा सो यू नो मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस वन हंड्रेड एंड एट्टी कंट्रीज अ शॉर्ट वीडियो ऑफ देयर एक्सपीरियंस लेट्स वॉच दैट वीडियो करोड़ों लोगों ने कोर्स किया है क्रिया सीखी है उसमें से कुछ लोगों का अनुभव हमने एक छोटे से वीडियो के रूप में आपके लिए बनाया है चलिए देखते हैं is filled with both emotional and physical stress. I was a person who was very angry. I never had control anger. I feel that my body is 3 young young Now I have more energy and I am able to stay connected and focused even in very stressful situations. anger People nowadays ask me where your anger has gone. With the breathing exercises, it taught me how to relax. Just on a completely practical level, I sleep at night. And I don't have to take a handful of meds to do it. Whatever the stress is, I think doing Kriya and doing it in a very productive way on a day to day basis only helps reduce your know, stress in a nice way. It was so, so powerful. When it was done, I felt like my brain and my eyes are just clear. same body When I was constantly smiling and I was constantly joyful, I just feel like I'm a very different person. So I highly, highly recommend this practice.

यू नो सुदर्शन क्रिया हेल्प यू गेट फ्रीड ऑफ ट्रामाज ऑफ द पास्ट ब्रिंग सच जॉय एंड रिलीफ टू द माइंड फिल्स योर बॉडी विथ एनर्जी इट्स रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस या नाउ विथ सुदर्शन क्रिया यू आर गोइंग टू लर्न अ वेरी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक कॉल उज्जै ब्रीदिंग दूसरी चीज जो हम सीखेंगे एक बहुत शक्तिशाली सांस लेने की प्रक्रिया है जिसे कहते हैं उज्जै श्वास अब उज्जैन श्वास हमारे मन को तुरंत विश्राम देने का काम करती है उज्जय ब्रेथ इज़ वेरी इम्पैक्टफुल एंड इमीडिएटली कामिंग डाउन द रेस्सनेस इन द माइंड सो इफ यू आर समन फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो टू स्लीप और यू नो यू फील इट फाइंड योर माइंड इज ऑलवेज क्लटर्ड दिस टेक्नीक इज गोइं टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग अगर आपका ऐसा अनुभव है कि नींद आने में दिक्कत होती है या मन हमेशा विचारों से भरा रहता है और जय सांस आपको बहुत मदद करेगी देन द थर्ड टेक्नीक यू आर गोईन टू लर्न इज द फोर फोर सिक्स टू ब्रेथ Now, this is a technique that is taught to people who work in very high stress conditions like naval marines, commandos, and it helps them to take good decisions in stressful situations. And such a technique you are going to learn, which can help you in your day to day life because stress comes from all the corners. We can't escape stress, but we can make the mind so powerful and so strong that we don't get imbalanced in those situations. 4462 तनाव स्थिति में भी आपके मन को इतना सशक्त कर देती है कि आप सही निर्णय ले पाते हो इसीलिए ये तकनीक यू नो हमारे कमांडोज को भी सिखाई जाती है ऐसी तकनीक आप सीखने वाले देन कम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक कॉल्ड द कॉन्फिडेंस बूस्टर यूजिंग द पावर ऑफ साउंड यू विल लर्न हाउ टू रिमूव दैट अनवॉन्टेड फियर फ्रॉम यू एक तकनीक आप सीखेंगे जिससे कि आत्मविश्वास बढ़ता है और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव भी बताना चाहती हूँ मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि ऐसे इतने सारे लोगों के सामने बात करूं ये तो छोड़िए मैं दस लोगों के सामने भी बात करने में हिचकिचाती थी बट सुदर्शन क्रिया और ये कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक के बाद मुझे मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती इसने मेरे जीवन में कितना बड़ा बले, बले, बदलाव लाया है यू नो दिस पर्टिकुलर टेक्निक आई वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई वॉज डेफिनेटली नॉट द कांड ऑफ पर्सन हु वुड फील कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल इनफैक्ट आई हैड ट्रिमेंडा स्टेज राइट Yeah, maybe you will not believe it now, but it used to happen. And with the practice of shankriya and this technique, this confidence booster technique, it has helped me in a very big way. I am so grateful to this technique, right? And I want all of you also to learn it. And the fifth thing you will learn are five jnana sutras, five wisdom sutras given by Gurudev for this particular course. These sutras give you such a wonderful perspective on life. यू नो वी समटाइम्स गेट लॉस्ट इन दिचुएशन हाउ टू हैंडल इट वी गेट ओवरवे बाई इट बट दीज फाइव सूत्राज कैन हेल्प यू फील सो पावरफुल एंड स्ट्रांग दैट यू आर एबल टू टैकल वॉट एवर कम्स इन लाइफ ये जो पांच ज्ञान के सूत्र गुरुदेव ने दिए हैं ये भी आप सीखेंगे इस कोर्स में और इससे एक नया दृष्टिकोण मिलता है जीवन को देखने का कई बार हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं परिस्थिति बड़ी लगे लगती है और हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं ये पाँच सूत्र आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया देंगे हा? और फिर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जिसे आप संभाल ना सकें राइट ओके सो नाउ लेट्स कम डाउन टू द एक्चुअल प्रैक्टिकल डिटेल्स आर द डेट्स ऑफ दिस कोर्सेंटीड टू ट्वेंटी एंड विद इन दो मॉर्निंग noon, एंड इवनिंग देखिए ये चार दिन का कोर्स है हर दिन दो घंटा इतना समय लगता है सुदर्शन क्रिया को अच्छे से सीखने और इसमें माहिर होने में सी फोर डेज टू आवर्स दिस मच टाइम इज नीडेड फॉर यू टू एक्सपीरियंस एंड लर्न सुदर्शन क्रिया इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक यस सो यू कैन चूज एनी डेट एंड टाइम ऑफ योर चॉइस एंड दिस कोर्स विल हैपन ऑन जूम ये कोर्स जूम पर होगा जूम पे क्यों होगा क्योंकि देखिए ये कोर्स आपको एक टीचर सिखाएंगे है ना और वो टीचर आपको एक एक स्टेप पे गाइड करेंगे आप सही से कर रहे हैं या नहीं इसीलिए हम छोटे बैचेस रखते हैं इस कोर्स में ताकि एक एक पार्टिसिपेंट पे टीचर ध्यान दे सके उनका हर प्रश्न का उत्तर दे सके यहाँ पर हजारों लोग हम जुड़ रहे थे ऐसे ये नहीं सिखाया जाता इसे छोटे बैच में टीचर की गाइडेंस में सीखा जाता है नो this course will be guided by a teacher very experienced teachers will be guiding this course each participant will be observed guided corrected when needed and their questions will be answered by the teacher in such a wonderful it becomes like a family literally yeah so uh, you you can you know by chance it happens that one day morning session gets missed

I want to ask you what kind of meditation you're doing, and how did you get into it? So, Ammi Patel, um, who's my stylist uh, and also meditation teacher, uh, made me do this happiness program, and uh, she taught me the Sudarshan Kriya. Oh, okay, that's it's really powerful to begin with. But go on. So that's what I do, and then I've done uh, the mm. Sahaj meditation, mm. and then we do full moon meditations every full moon. Seventh March is the next one. Mm and uh... there are two kriyas that i do there is sudarshan kriya mm. which is basically breathing exercises it's just a 25 minute thing and there's this course called sehad samadhi mm. that the art of living offers so the first 10 days into this kriya and everything they said okay you want to give us guru dakshana do it for like some 50 days or something mm. continuously obviously they want us to form a habit so I think I sort of did it for ten days, and after ten days, I was just smiling randomly, sitting in a car or standing. You know, my parents are sitting, and I'm just smiling, and I like, don't question it. You know, <laughs> you think I'm a fool, but it actually gave birth to my joyful side. I mean, not gave birth. It's like you're clouded, and suddenly the clouds go off mm -hmm. and the sunshine. You feel like that. So I was constantly smiling, and I was constantly joyful. I, I think I usually never get angry also as much, but that anger went away. There was no.

I did Sudarshan Kriya for the very first time it was so so powerful when it was done I felt like my brain and my eyes are just clear it's like there was so much written on the blackboard and when you just wipe it off and not only wipe it off it's like you wash it off my perspective is much more clearer I feel I'm much more intuitive I feel much more at peace and when you are happy from the inside side, so everything kind of falls into place. When I was sleepy, I didn't take coffee the entire day, and just with Sudarshan Kriya, I had the energy to do anything. I could do a cartwheel right now if I could, and you're just happier as a person. I mean, who doesn't want to be happier? After all, that's the number one goal I also have. Five years, ten years down the line, I don't know what I'm going to be doing, but I hope at least I'm happy doing it. So I'm glad that I started this journey so early, and I'm going to follow it. Well, uh, you know, I did the Sudarshan Kriya when I was very young. Uh, I was about 16 years old, I think, when I did the Sudarshan Kriya. And after that, I've also done the advanced course a bunch of times. I've done the DSN. I think there's a there's a couple of things that happen when you uh, do any of these courses. One is obviously you feel a sense of joy. You also uh, feel very very centered. And uh, I think the the transformation that happens within you is that you know you feel like you're capable of doing a lot of things that you didn't think you were capable of doing earlier. So it also increases your confidence. So, you know, when you feel centered, you feel like you can deal with a lot more situations and difficult things. You know, I've gone through many days where I'm dealing with different situations. There's stress, you know, you're distracted. And uh, at that point of time, uh, there's this, you know, I sit down, I meditate. And suddenly there is a sense of calm that happens uh, because you're in your center and you're feeling calm. Uh, I feel like you can deal with situations in a much uh, more positive and more confident sort of way.